नारद जी को भेजते हैं कि आप उसके साथ रहिए बस। तो नारद जी जाते हैं। अब नारद जी ने सबसे पहले जाते ही कहा, अरे पुत्र कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे, आइए शांति शांति। तो नारद जी कहे कि कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहे, आप कौन? वो कहे, मैं नारद हूं। नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा, जानते हैं। बोले, वो कहाँ मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। नारद जी ने कहा कि तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो शीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित ही मिलना है। वो थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मुझसे मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता, तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। और वो अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। और अंत में जब तपस्या बहुत कठोर हो जाती है, सब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु, उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। और फिर वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो प्रकट होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान को सीधा गले लगा लेते हैं। भगवान उनको अपनी गोद में बैठाते हैं। भगवान कहते, कहो क्यों बुलाया मुझे। ध्रुव जी कहते हैं, मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते, छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। अरे भगवान कहते, अरे अरे अरे, एक साथ इतने प्रश्न, एक एक करके पूछो। एक एक करके पूछो। ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। भगवान कहते, तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने असल में ध्रुव जी को कोई जवाब नहीं दिया था, उन्होंने बस उनके मस्तक पर हाथ रखा था, और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। भगवान कहते, अब और भी कोई उत्तर चाहिए? बोले, सब उत्तर मिल गए। तो इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं।